नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका अप्रैल लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सबसे अधिक सैन्य व्यय में कौन सा देश खर्च करता है? तो अमेरिका सबसे अधिक खर्च करता है, दूसरा पर आपके चीन है, तीसरा में रूस है और चौथा में भारत है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है, उड़ीसा फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हरा कर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जबकि लॉक शील्ड ये साइबर रक्षा अभ्यास है, इसका आयोजन एस्टोनिया की राजधानी तेलिन में किया गया है, एस्टोनिया की राजधानी तेलिन में किया गया है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? इनका पार्टी का नाम क्या था? तो इनका पार्टी का नाम था शिरोमणि अकाली दल, इनका पार्टी का नाम था। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया है? तो भारत और अमेरिका ने भाग लिया है, और इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में इसे आयोजित किया गया है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो कुमलांगी गांव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कुमलांगी गांव के नाम से जाना जाएगा। ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है और सेनेटरी नैपकिन मुक्त गाँव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। ठीक है, जबकि 2022 में भारत को 44वां स्थान मिला था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया है? हमारे ग्रह में निवेश करे थीम के साथ मनाया गया है, हमारे ग्रह में निवेश करे थीम के साथ। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध पाकिस्तान से था, इनका संबंध पाकिस्तान से था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है उनका नाम है केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल उनका नाम है। T20 क्रिकेट में जो है सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो केएल राहुल बने हैं। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे लगभग, यहाँ पर फिर लिखा 500, 500 भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान में फंसे लगभग जो है, देखिए यहाँ पर 3,000 से 5,000 के बीच में है। ठीक है, किसी को पता नंबर एग्जैक्ट पता नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ऑपरेशन जो कावेरी चलाया गया है सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया है। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में पहले स्थान पर आपके न्यूयॉर्क है, पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? किसे अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को बनाया है। ठीक है, ऋषभ पंत को बनाया है, जबकि जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ठीक है, केरल जो है जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया है? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? जो आईपीएल 2023 है इसका फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अहमदाबाद में स्थित है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही
अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो कौन स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास स्थापित करेगा, आईआईटी मद्रास स्थापित करेगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण सिन्हा बने हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीपिका मिश्रा। ठीक है, उनका नाम है दीपिका मिश्रा, उनका नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो तमिलनाडु की विधानसभा में पारित किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु की विधानसभा में पारित किया गया है। हुरन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, दूसरा पर आपके चीन है, तीसरा पर भारत है। भारत में कुल आपके 68 यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपके भारत में है। ठीक है, और भारत के बाहर भारत कितना यूनिकॉर्न कंपनी है? तो आपके 70 है। ठीक है, 70 है इसका हेडक्वार्टर आपके भारत के बाहर है। ठीक है, भारत के बाहर जिसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1948 में जो है एक राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये पूर्ण राज्य कब बनता है? तो 1971 में आपका पूर्ण राज्य बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो कागिसो रबाडा उनका नाम है। इनका संबंध जो है साउथ अफ्रीका से इनका संबंध है। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो साकिब अल हसन को। ठीक है, साकिब अल हसन को। इनका संबंध बांग्लादेश से है, इनका संबंध बांग्लादेश से है। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो बेंगलुरु में खोला जाएगा। इसे लर्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके सीईओ कौन थे? इसको सीईओ कौन है? इसको सीईओ जो आपके स्पेस एक्स है इसका सीईओ है एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क इसका सीईओ है। जो ट्विटर है उसके भी सीईओ आपके एलन मस्क ही हैं। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है जो असम में स्थित है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रैपिडेक्स रख दिया गया है, रैपिडेक्स इसका नाम रखा गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गेमलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो किसके द्वारा पास किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा पास किया गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? तो भारत के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया है? तो भारत के द्वारा कुल आपके 14 पदक जीता गया है। ठीक है, 14 पदक जीता गया है। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, थीम है हेल्थ फॉर ऑल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन के
अमेरिका ने यूक्रेन के लिए जो है 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है, तो कितना अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है, तो 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जो है कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो इसमें जो मंजूर किया गया है 6,000 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है, ठीक है, 6,000 करोड़ रुपया के मंजूर किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर है महिला में, ठीक है, ये पहली है, जबकि पुरुष में किसे शामिल किया गया था, तो सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो ये मंजूरी कितने का दिया गया है, 638 करोड़ का मंजूरी दिया गया, ठीक है, 638 करोड़ प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है, तो मुंबई में पहला लॉन्च किया है, दूसरा आपके नई दिल्ली के साकेत में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है, तो हरदोई और लखनऊ में किया है, तो उपरोक्त आपके दोनों हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा जो है संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया गया है, तो गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है, गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है, जो तेलंगाना की राजधानी है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो पहला राज्य आपके हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा राज्य आपके शीर्ष पर रहता है, तो कर्नाटक आपके शीर्ष पर रहता है। नाटो का 31वां मेंबर कौन सा देश बनता है, तो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां मेंबर बनता है। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है किम कॉटन, उनका नाम है किम कॉटन, उनका नाम है, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है, इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से इनका संबंध है। चुनाव आयोग ने जो है कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है, तो वोट फ्रॉम होम की शुरुआत जो है कर्नाटक से किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा कर्नाटक से किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। जो RBI है इसकी स्थापना कब होता है, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था उसमें, तो कोलकाता में था, ठीक है, कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर था। और आपको याद रखना है कि जो RBI है इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1-1-1949 को, 1-1-1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है, तो भारत की जो जनसंख्या कितनी पहुंच गई है, तो 142.86 करोड़ पहुंच गई है, 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चाइना का 142.57 करोड़ है। हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है, इल्सा क्या है, तो आपको याद रखना कि इल्सा जो है एक चक्रवाती तूफान है, इल्सा क्या है, तो इल्सा एक चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव आयोग स्टेट आइकॉन बनाया गया है, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, मोनिका दास को बनाया गया है, ठीक है, मोनिका दास को बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है ट्विटर के द्वारा, ठीक है, ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आपके वेंकटेश अय्यर है, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो वेंकटेश अय्यर है। साथ ही आपको याद रखना है कि राजस्थान के एक प्लेयर है, इनके द्वारा हाल ही में शतक मारा गया है, उनका नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है,
तो भारत की अध्यक्षता में जो है G20 वर्किंग ग्रुप की जो 100वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वाराणसी में हुआ, ठीक है, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद करने का ऐलान किया है, तो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है यहाँ पर, अब बंद भी कर दिया है, तो जर्मनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यूएसए जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दूसरा में आपके चाइना है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता शहर में किया गया है। किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 7 पदक जीता गया है, कुल 7 पदक जीता गया है। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरी टाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर ने यह पहल शुरू किया है। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गया है, पहले कितना था? 2967 था। तो आपको याद रखना है कि 200 बाघ आपके बढ़े हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को हाल ही में जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हर्षद पटेल, उनका नाम है हर्षद पटेल, उनका नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविड वार्नर, उनका नाम है डेविड वार्नर, उनका नाम है। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो सी राधा कृष्णन को प्रदान किया गया है, सी राधा कृष्णन को प्रदान किया गया है। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे दिया गया है? तो तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोरोक्सा वोरोक्सा BHOROXA ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना ये संबंधित है महिला सुरक्षा, संबंधित है महिला सुरक्षा से संबंधित है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान सरकार ने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना, तुलसी घाट बहाली प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में शुरू किया है, युगांडा में शुरू किया है, युगांडा में शुभारंभ किया है, ठीक है, युगांडा में शुभारंभ किया है, युगांडा में लॉन्च किया है। किस भारतीयों को हाल ही में जो है टाइम्स ऑफ पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को चुना गया है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना आपके शीर्ष पर है, दूसरा पर आपके फ्रांस है, 101वां पर आपके भारत है, 101वां पर आपके भारत है, 101वां 101वां पर आपके भारत है। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है। भारत के किस जो है स्पेस स्टार्टअप ने
3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। हाल ही में जो है डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जो है किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो किस पर लगाया गया है? संजीता चानू पर लगाया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आपको याद रखना कि कर्नाटक आपके शीर्ष पर है, ठीक है, कर्नाटक शीर्ष पर है। जबकि बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। छोटे राज्यों में पहला स्थान सिक्किम को मिला है, सिक्किम को मिलता है जिसकी आबादी 1 करोड़ से कम है, वो छोटे राज्य है। सबसे लास्ट स्थान गोवा को मिलता है छोटे राज्यों में। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड डीबीआई पॉइंट है, किसे जो है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो मुंबई को दिया गया है। H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो पहली मौत आपके चीन में दर्ज किया गया है। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खोली है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.6% से घटाकर जो है 6.30% कर दिया है, 6.30% कर दिया है। नासा ने अपने चंद्रयान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा की है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, इसमें आपके 1 महिला है और 3 आपके पुरुष हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में कराइकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये आपके अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। अडानी ग्रुप लगातार भारत का हर पोर्ट एयरपोर्ट खरीदता जा रहा है। नेक्स्ट है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमित क्षेत्रीय। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? हरियाणा बन गया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? सबसे बड़ा जो है सौर प्लेट का निर्माता कब तक बन जाएगा? 2026 तक बन जाएगा। पहले स्थान पर आपके चाइना रहेगा और दूसरे पर आपके भारत हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है।